आज इस वीडियो में हम गैफी और गैफी के पापा को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। और अब? ये भी अच्छी लग रही है। और ये भी? हाँ, गैफी, यह भी। आप हंस क्यों रहे हैं पापा? तुम्हारी टोपियाँ देखकर मुझे टोपी वाले की याद आ गई। कौन? ये देखो, इस किताब में टोपी वाले और बंदर की मजेदार कहानी है। चलो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है पापा। एक टोपी वाला टोपियाँ बेच रहा था। टोपी ले लो, टोपी रंग बिरंगी, लाल लो, हरी लो, या लो चाहे नीली पीली। एक दिन वो टोपियां बेचते बेचते गांव के बाहर आ गया। गांव के बाहर एक खूब घना पेड़ था। टोपी वाला टोपियां बेचते बेचते थक चुका था। वह पेड़ के नीचे टोपियां रखकर वहीं सो गया। जब वह जागा तो उसके आसपास कोई टोपी नहीं थी। यह देखकर वो बहुत परेशान हो गया। वहां न लाल टोपी थी, न हरी और न ही नीली पीली। टोपी वाले ने इधर देखा, उधर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा। जब उसने ऊपर देखा तब वह देखता ही रह गया। पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे और सभी टोपियां बंदरों ने पहन रखी थी। कुछ ने लाल, कुछ ने हरी, कुछ ने हरी पीली। गैफी, तुम्हें क्या लगता है अब टोपी वाला क्या करेगा? उसकी सारी टोपियां तो बंदर ने ले ली। बच्चों, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है टोपी वाले ने कोई तरकीब सोची होगी टोपी वापस लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, आओ आगे पढ़े और देखे क्या होता है। टोपी वाला अब गहरी सोच में पड़ गया कि इन बंदरों से टोपी कैसे ली जाए। टोपी वाले ने थोड़ी देर सोचा और फिर सोचकर अपनी टोपी नीचे फेंक दी। फिर बंदरों ने भी ऐसा ही किया। टोपी वाले ने झटपट से अपनी सारी लाल, हरी और नीली पीली टोपियां पकड़ ली और अपनी टोपियां फिर से बेचने लगा। टोपी ले लो, टोपी लाल, हरी और नीली पीली टोपियां। ये तो बहुत मजेदार था पापा। बच्चों, अब आपकी बारी है। स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचें और अपनी नोटबुक में लिखें। आपको ये कहानी कैसी लगी? टोपी वाले के पास कौन कौन से रंग की टोपियां थी? टोपी वाले ने बंदरों से अपनी टोपियां कैसे वापस ली? आप अपना उत्तर अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहानी सुनाकर साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।